और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा। और आर्थिक जगत में जिन खबरों ने बटोरी है सुर्खियां, उनको जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा के पास। शुक्रिया आंचल और असीम। और एविएशन सेक्टर जो भारत का है वो अगले 10 साल के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। क्या है पूरी खबर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन पर। जनधन अकाउंट पर सरकार ने बड़ी राहत दी। नई पहल का सबसे ज्यादा फायदा जीरो बैलेंस वाले खाते धारकों को होगा। नए नियम में कोई भी खाता धारक अगर 90 दिन के अंदर एक बार भी रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। बिजली की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू। राज्यों में बिजली का बकाया कम करने के लिए दिसंबर 2017 तक उदय स्कीम में शामिल राज्यों के हर घर को और संस्थान में लगे बिजली के मीटरों को बदलकर अपडेट करना होगा ताकि बिजली चोरी ना हो सके। सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के मकसद से मिनिमम सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, इस बार सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें अब सभी सेक्टर शामिल होंगे। सरकार के इस कदम का सीधा फायदा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को होगा। अभी कानून में 160 रुपए मिनिमम वेज है, जिसे बढ़ाकर 273 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। 2020 तक भारत में मोबाइल का कारोबार 14 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। जीडीपी में योगदान 6% से बढ़कर 8% तक हो सकता है। 2014 में कारोबार 7.7 लाख करोड़ तक पहुंचा। अगले 10 साल में भारत का एविएशन सेक्टर होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार। भारत का एविएशन सेक्टर सालाना 16.5% की रफ्तार से विकास कर रहा है।